एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक भैंस तथा एक भेड़ खरीदा। भैंस को 4% लाभ पर, भेड़ को 15% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे में 340 रुपये का लाभ हुआ। बताएं कि भेड़ का क्रय मूल्य क्या है? तो आप लोगों से भेड़ का क्रय मूल्य पूछ रहा, पूरे क्रय मूल्य को भैंस मान लें? भेड़ का क्रय मूल्य पूछ रहा, पूरे क्रय मूल्य को भैंस मान लें? तो 18,000 का अगर भैंस हो जाएगा तो भैंस पे 4% का लाभ, तो 18,000 का 4% 720 ना। हमारे अनुसार 720 का लाभ आ रहा है। मन में करेंगे, कॉपी में ना लिखेंगे, इसे कलम नहीं लगाएंगे। 18,000 का 4% 720 निकालने आएगा। परसेंट के लिए 2 0 खत्म, 18 74 720। हमारे अनुसार 720 का लाभ होना चाहिए। अब प्रश्न में दिया है 340 का लाभ, दोनों लाभ है यानी अंतर हो जाएंगे 380। हमारे अनुसार 720 का लाभ जबकि प्रश्न में दिया है 340 का लाभ, तो दोनों लाभ ही है, तो अंतर में क्या होंगे? घटेंगे। तो 720 और 340 में अंतर कितने का? 380। इधर 15% हानि और 4% लाभ में अंतर कितने का? 19% का। परसेंट हटेंगे 100 से गुना, उन्हें दुने। आंसर जल्दी बोलिए, 2000 बन पाएंगे? तो भेड़ निकालना है सबको, भैंस मानेंगे, भैंस निकालना है सबको, भेड़ एग्री है। एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये में 4 बकरी तथा 20 भेड़ खरीदा। बकरी को 5% हानि पर, भेड़ को 10% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार पूरे में 250 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि एक भेड़ का क्रय मूल्य क्या है? किसका क्रय मूल्य? तब भेड़ का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तब भेड़ का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। पूरे क्रय मूल्य को बकरी मान लें? भेड़ का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, पूरे क्रय मूल्य को बकरी मान लें? तो 4,000 रुपये का अगर बकरी होता तो बकरी पर दिया है 5% की हानि, बकरी पे दिया है 5% की, तो जल्दी देखिएगा कितने की हानि? 200 की। हमारे अनुसार 200 की हानि और प्रश्न में दिया 250 का लाभ, अंतर कितने का? फिर से भेड़ का निकालना है तो कितने भेड़ हैं? 20 ना। तो जब भी निकलेगा तब पूरे ग्रुप का निकलेगा, 20 भेड़ है तो 20 का निकलेगा, 5 भेड़ रहता तो भेड़ का निकालना सबको बकरी मान ले, तो 4,000 रुपये की बकरी होगी, तो बकरी पर 5% की हानि, तो 4,000 का 5% जल्दी देखिए, लेकिन बिना कलम के इसे देखना होगा। अगर इतना लिखेंगे तब तो बेहतर है कि आप मैथ के तरीके लगा लें। तो हमारे अनुसार 200 रुपये की हानि, अब प्रश्न में दिया 250 का लाभ, तो एक लाभ एक हानि रहता है, तंत्र में जुड़ता है, तंत्र 450 ना। इधर 5% हानि, 10% लाभ में अंतर, 15% का परसेंट हटेंगे 100 से गुना, 15 कितना? कितने भेड़ का? तब 20 भेड़ का 3,000, तो एक भेड़ का निकालने आएगा, एक भेड़ का जल्दी बोलिए 150। आप लोग सब जानते हैं, बन जाएंगे। चलिए एक विद्यार्थी पीछे से बोल रहा है, बकरी का, मैं बकरी का भी निकाल दूं। आपके पास कितने बकरी? जल्दी देखिए, 4 ना। तो बकरी निकालना है, बकरी का क्रयमूल निकालना है, पूरे क्रयमूल को भेड़ मान लें, पूरे क्रयमूल को भेड़ मान लें, तो 4,000 रुपये का अगर भेड़ होगा तो भेड़ पे 10% का लाभ, भेड़ पे 10% का, तो 4,000 का 10% 400 का लाभ ना। तो हमारे अनुसार 400 का लाभ, और प्रश्न में दिया है 250 का लाभ, अंतर कितने का? दोनों लाभ है इसलिए अंतर में घटेंगे, सही है। इधर ध्यान रखिए 5% हानि और 10% लाभ में अंतर कितने का? परसेंट हटेंगे 100 से गुना, 15 से 10 बार में कितना आया? कितने बकरी? तो एक बकरी का 250 निकल जाएंगे। देख सकते हैं भेड़ का 3,000 आया था, बकरी का 1,000 जोड़ करके कितना? 4 बन जाएंगे। गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 30, तो मुर्गा की संख्या बताइए। अब केयर कीजिए, किसकी संख्या निकालना है?
तो मुर्गा निकालना है सबको क्या मानेंगे? तो सब के सब गाय होंगे तो पैर चार गुना होगा, कै गुना? सभी के सभी गाय हो जाएंगे तो पैर कितना होंगे? तो हमारे अनुसार चार गुना। प्रश्न में दिया चार गुना से 30 कम, यानी कितने का अंतर? मैंने कहा चार गुना, प्रश्न कह रहा चार गुना से 30 कम, अंतर कितने का? नहीं समझ में आ रहा है? हमने कहा 4x, प्रश्न कह रहा 4x से 30 कम, तो दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा, कितने का? तो अंतर 30 का, गाय मुर्गा में अंतर, आंसर कितना? आया समझ में? मैंने कहा आप लोगों को फिर से केयर करिए, मुर्गा निकालना है सबको क्या मानेंगे? और सब के सब गाय होंगे तो कितना पैर होगा? तो जितना सिर है उसका चार गुना, जितना सिर है उसका चार गुना, जबकि प्रश्न में दिया है चार गुना से 30, अंतर कितने का? अब गाय मुर्गा में अंतर, आंसर आया। फिर से, यदि गाय की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? तो सबके सब मुर्गा होंगे तो दुगुना पैर, सबके सब मुर्गा होंगे तो, जबकि प्रश्न में दिया है चार गुना से 30, क्या दोनों का अंतर निकाल पाइएगा? कैसे निकलेगा? निश्चित अंतर निकलेगा? नहीं निकलेगा, अर्थात आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी। अर्थात मैं अपने शब्दों में आंसर दे दूं, अगर चार गुना से रिलेटेड दिया है तो निकलेगा मुर्गा, अगर दुगुना से रिलेटेड दिया है तो निकलेगा। अगर यही प्रश्न में लिखा रहता कि 2 गुना से 30 अधिक है तब तो अंतर 30 का हो जाता जी। तो अगर 4 गुना से संबंध दिया है तो निकलेगा क्या? मुर्गा। अगर दुगुना से संबंध दिया रहेगा तो निकलेगा, अगर 3 गुना से दिया रहेगा तो न गाय निकलेगा ना। नहीं समझ में आया? एक्स वाई मान के बता दूं, आए समझ में? मैंने आप लोगों से कहा कि अगर गाय निकालना है तो सबको क्या मानेंगे, और सबके सब मुर्गा मानेंगे तो दुगुना पैर होना चाहिए, और प्रश्न में अगर दुगुना से संबंधित दिया हुआ है तब तो आंसर निकलेगा, नहीं तो आंसर निकलने वाला। तो चलिए आप लोग 39 पे आइए, क्या निकालना है जल्दी बोलिए। तो गाय निकालना है सबको क्या मानेंगे, तो सबके सब मुर्गा मानेंगे तो कितना पैर? दुगुना, जबकि प्रश्न में लिखा है 2 गुना से 40। अब जल्दी बोलिए, दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, कितने का? गाय मुर्गा में अंतर, आंसर कितना? लेकिन अगर कहता मुर्गा की संख्या निकालिए तो आप आंसर क्या मार देते? मेरी बात समझ में आ रहा है जी? क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइंड मारेंगे? तो बोलना होगा कि मुर्गा निकालना है तो 4 गुना से संबंध होना चाहिए, अगर गाय निकालना है तो उल्टा, है ना? गाय के कितने पैर? तो दुगुना से संबंध होना चाहिए, मुर्गा के कितने पैर? तो 4 गुना से संबंध होना चाहिए। मेरी बात समझ भाई? बनेंगे तो 40 देखिएगा, 3 गुना से संबंध दिया हुआ है तो ना गाय निकलेगा ना, आंसर क्या होगा? क्या सीख गए? हाँ या ना? तो आप लोगों को आज गाय मुर्गा बन जाएंगे, हम श्योर हैं। तो आप भूल ना जाए इसके लिए हम लोग नियम अब लिख लें। सीख गए ना सब? सभी जगह पहले नियम तब प्रैक्टिस। मैंने कहा प्रैक्टिस कर लिए, अब नियम लिख लीजिए कि कल भूल ना जाइए। तो पहला लिखिएगा पहचान की विधि, कब इस नियम को आप यूज करेंगे ये पता होगा तब ना, तो लिखिएगा किसी निश्चित राशि को, किसी निश्चित राशि को 2 भागों में बांटना हो, किसी निश्चित राशि को 2 भागों में बांटना हो, किसी निश्चित राशि को 2 भागों में बांटना हो, तथा पहले भाग का m गुना
तथा दूसरे भाग के एन गुना का कुल योगफल दिया हुआ हो। पहले भाग का एम गुना और दूसरे भाग का एन गुना का कुल योगफल दिया गया हो। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न सिर्फ, ये विधि सिर्फ वहीं लगेगा जब किसी राशि को दो भागों में, तो दो भागों में बांटने के कुछ विधि रहेंगे ना, तो दिया रहेगा पहले का दुगना दूसरे के चार गुना का कुल योगफल, तब ना गाय मुर्गा निकला। 50 रुपया 100 रुपया का नोट था तो पहले का 50 गुना दूसरे के 100 गुना का कुल योगफल दिया हुआ था, तब ना 50-100 का नोट निकला। हा या ना, पहले का 5% दूसरे के 10% का कुल योगफल दिया हुआ था, तब ना पुरुष स्त्री निकला था। मेरी बात समझ में आई? तो मैंने कहा एक निश्चित राशि दी रहेगी, उसको दो भागों में बांटना होगा, गाय मुर्गा में, पुरुष स्त्री में, लड़के लड़की में, है ना। 50 के नोट 100 के नोट में, यानी कितने पार्ट में बांटने होंगे। अब पहले का एम गुना दूसरे के एन गुना का कुल योगफल दिया रहता है, याद रह जाएंगे। तो लिखिए बनाने की विधि। यदि पहला भाग ज्ञात करना हो, यदि पहला भाग ज्ञात करना हो तो पूरे को दूसरा मान लेंगे। पहला भाग ज्ञात करना हो तो पूरे को दूसरा भाग मानकर गुणा कर लेंगे। पहला भाग ज्ञात करना हो तो पूरे को दूसरा भाग मानकर गुणा कर लेंगे। और यदि दूसरा भाग ज्ञात करना हो, दूसरा भाग ज्ञात कर रहा हो तो पूरे को पहला भाग मानकर गुणा कर ले, पूरे को पहला भाग मानकर गुणा कर ले। इस प्रकार प्राप्त राशि, इस प्रकार प्राप्त राशि और प्रश्न में दी गई राशि, इस प्रकार प्राप्त राशि और प्रश्न में दी गई राशि के अंतर को पहले और दूसरे भाग के अंतर से भाग दे दें। पहले और दूसरे भाग के अंतर से भाग दे देंगे के अंतर को गाय मुर्गा के अंतर से भाग दे दें। मतलब पहला और दूसरा के अंतर से भाग दे दें। ये सिर्फ आपको संतुष्टि के लिखाया गया है, जब तक प्रैक्टिस नहीं इस नियम की कोई जरूरत है। तो आपको मैं फिर से समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा केयर कीजिएगा, लिखिएगा नहीं सीखिएगा। एक समीकरण था, लिखा था x प्लस वाई बराबर 50, सही है, 5x प्लस 9y बराबर 270। हमसे x या y का मान पूछा, सही है। चलिए आप किसका निकालने कहते हैं, x का या y का? चलिए दोनों निकाल देता हूं, पहले कोई y बोले, y निकालना है तो पूरे को x वाले से गुना करिए, तो 50 को 5 से गुना करिए कितना होगा, तो हमारे अनुसार 250 प्रश्न में 270, अंतर कितने का? इधर पहला और दूसरा में अंतर जल्दी बोलिए, आंसर कितना? अगर x निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, बाई वाले से गुना करिए, तो 50 × 9 जल्दी बोलिए, हमारे अनुसार 450 और प्रश्न में दिया है 270, अंतर कितने का? आया अंतर है 4 का, देखिए ना जोड़ करके 50 आया, नहीं समझ में आया।
इतना सिंपल के लिए नहीं बताया, परिचय में क्या रहते हैं, 100 रुपये 50 रुपये के कुल 50 नोट हैं जी, जिनका कुल मूल लिखा रहेगा 3000 रुपया 4000 रुपया, तो कितने 50 के नोट हैं। तो समीकरण तैयार करने में ही टाइम लग जाएगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 वाले नोट निकालना है सबको, 100 वाले से गुना, 100 वाले नोट निकालना है सबको, तो एक आपके तरफ से अमाउंट आएगा, एक प्रश्न में अमाउंट दिया रहेगा, दोनों के अंतर को 100 50 के अंतर से जी सीखे। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय, कुछ मुर्गे तथा कुछ खरगोश हैं। खरगोश देखें, गाय के कितने पैर, मुर्गा का, खरगोश का, दो बोल रहे हैं जी, खरगोश का चार। हाँ, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे एवं कुछ खरगोश हैं, जिनके सिरों की संख्या, जिनके सिरों की संख्या 50 तथा पैरों की संख्या 190 है, पैरों की संख्या 190 है, यदि खरगोश की संख्या गाय से दुगनी हो, यदि खरगोश की संख्या गाय से दुगनी हो तो बताएं कि कुल कितने मुर्गे हैं, कुल कितने मुर्गे हैं, तो बताएं कि कुल कितना मुर्गा है। 50 में जरूर देखिएगा, 3 दे दिया है, गाय मुर्गा और खरगोश। तो भाई आप जानते होंगे गाय के भी 4 पैर होते हैं, खरगोश के भी, तो ये दोनों एक ग्रुप बना लेगा और मुर्गा को आप एक ग्रुप में रखिएगा, हाँ या ना। तो किसकी संख्या निकालनी है, गाय खरगोश का तो सबको मुर्गा मानेंगे, मुर्गा निकालना है तो सबको क्या निकालना है बताइए, तो मुर्गा निकालना है तो सबको गाय खरगोश मान ले, तो सबके सब गाय खरगोश होंगे तो 4 गुना पैर यानी 200 होना चाहिए, तो हमारे अनुसार 200 प्रश्न में दिया है, जल्दी बोलिए अंतर, गाय मुर्गा में, गाय और मुर्गे में अंतर, आंसर कितना आया समझ में, सही है। अगर आपसे गाय और खरगोश में कोई पूछा होता तो केयर कीजिए, गाय खरगोश जब भी निकलेंगे तो एक साथ आपको ज्ञात होंगे, गाय खरगोश निकालना है सबको क्या मानिएगा, और सबके सब मुर्गा होंगे तो 50 दुनी हमारे अनुसार 100 पैर, प्रश्न में दिया 190 यानी अंतर कितने का, और गाय मुर्गा में अंतर होते हैं 2 का, आंसर कितना, लेकिन 45 में आया गाय भी और खरगोश भी, तो आपके प्रश्न में दिया है गाय की संख्या खरगोश की दुगनी, गाय की संख्या खरगोश की, तो 45 का तुलना 2 1, गाय निकालना है 2 से गुना, खरगोश निकालना है, खरगोश की संख्या गाय की दुगनी तो गाय 1 तो खरगोश 2, तो 45 का तुलना 2 1, अगर गाय निकालना होगा तो 1 से गुना, खरगोश निकालना होगा तो ये तो निकाल ही लेंगे, केवल मैं आपको ये बताने आया था कि 50 को पहले 2 पार्ट में अगर बांटना रहेगा तभी आपका निकलेगा गाय और मुर्गा का नियम बन जाएंगे। तो हाँ, आप लोगों ने पढ़ लिया गाय मुर्गा पर आधारित इस टाइप का बन जाएंगे, बढ़ा जाए तो अभी तक मैं कितना क्वेश्चन पढ़ा मैं फिर से याद दिला दूं। पहला आपने पढ़ा सिक्के संबंधित, दूसरा आपने पढ़ा दूध डाला जा रहा है तो पानी सेम करेंगे पानी डाला जा रहा है, तीसरा आपने पढ़ा दिए गए मिश्रण में से कुछ मिश्रण अगर निकाल लिया जाए तो मिश्रण घटेगा लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन, चौथा आपने पढ़ा कि कुछ मिश्रण निकाल लिया जाए उसके बाद पानी डाल दिया जाए तो मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा लेकिन जब पानी डालेंगे तो दूध सेम करेंगे, दूध डाले जाएंगे तो क्या पढ़े थे,
और अगला आपने पढ़ा गाय निकालना, मुर्गा मानेंगे मुर्गा निकालना है, सीख गए। चलिए आगे बढ़े, अंतर समान करना। कब कब अंतर सेम करेंगे? कंडीशन नंबर फर्स्ट, ध्यान दें, आप दो मित्र हैं, आपके पास 5,000 रुपये और आपके मित्र के पास 8,000 रुपये, अंतर कितने का? आपके पास 5,000, आपके मित्र के पास 8,000, अंतर कितने का? आपको भी मैंने 1,000 दिया, आपके मित्र को भी 1,000 दिया, अब अंतर कितने का? अर्थात समान राशि देंगे तो अंतर में कोई परिवर्तन? फिर से, मैंने कहा आपके पास 5,000, आपके मित्र के पास 8,000, अंतर 3,000। आपसे भी मैंने 500 ले लिया, आपके मित्र से भी 500 ले लिया, अंतर कितने का? इसका मतलब समान राशि ली जाए या समान राशि दी जाए, अंतर में कोई परिवर्तन? अर्थात समान वृद्धि या समान कमी करना हो तो दी गई राशियों के बीच अंतर में कोई परिवर्तन? याद रह जाएंगे तो लिख लें, केस फर्स्ट, समान वृद्धि अथवा समान कमी की जाए, समान वृद्धि अथवा समान कमी की जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समान वृद्धि अथवा समान कमी की जाए तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लिखिए गए, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 130 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 130 की वृद्धि कर दी जाए तो इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताएं कि पहली संख्या क्या है, आप बनाइएगा नहीं आप सीखिएगा। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात था, प्रत्येक में 130 की वृद्धि कर दिए तो रेशियो हो गया 2:1। अगर आप बनाइएगा तो क्या करिएगा, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 5x, 3x प्लस 130, 5x प्लस 130 बराबर 2:3, हल कर लेंगे बन जाएगा। लेकिन आपकी रीजनिंग कहती है, आपने तर्क लगाया कि जब समान वृद्धि कर रहे हैं तो अंतर में कोई परिवर्तन, तो जितना अंतर नीचे होना चाहिए उतना ही अंतर, तो जल्दी देखिए नीचे कितने का अंतर, ऊपर अंतर सेम है क्या? तो पहले अंतर सेम करना होगा। अंतर सेम करने की बेस्ट तरीके हैं, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को, तो नीचे में कितने का अंतर, तो 1 से गुना करें या ना करें, ऊपर में 2 से गुना कर लें, क्या एग्री है? अब देख लीजिए अंतर सेम आ रहा होगा, ऊपर देखिए अंतर कितने का, नीचे भी अंतर कितने का, सेम आ गया। दूसरी फायदे देख सकते हैं, समान वृद्धि की गई थी तो यहां वृद्धि सेम आ रहा होगा, देखिएगा 3 से 4 हो गया कितने की वृद्धि, 5 से 6 हो गया कितने की वृद्धि, तो समान वृद्धि करेगा तो यहां भी वृद्धि सेम आएगा ही, इसकी गारंटी है। नहीं समझ में आया? तो हम बताना ये चाह रहे थे कि समान राशि जोड़ा जाए या समान राशि घटाया जाए तो जल्द से जल्द नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को, उसके बाद तो एक नियम हमेशा लगेंगे, जो दिया है उसका तुलना उसे कर दो, जिसे निकालना उसे। तो आपके प्रश्न में 130 की वृद्धि दी है, यहां देखिएगा 3 से 4 हुआ कितने की वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना निकालना है, पहली संख्या कैसे गुना, अर्थात आंसर 300। तो आपने एक छोटी सी लॉजिक लगाई कि समान राशि दी जाए या समान राशि
कोई आर्कमेडिस का सिद्धांत नहीं, अभी आपने साबित किया हाँ या ना कि दोनों को मैंने एक एक हजार रुपया दिया था तो अंतर में कोई परिवर्तन, तो दोनों में यहां भी 130-130 वृद्धि कर रहे हैं तो अंतर में कोई परिवर्तन, तो अंतर सेम करने के तरीके नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को बन जाएंगे। एक दो जल्दी से आप बनाएं तो आगे बढ़ेंगे, केस टू की ओर आगे बढ़ेंगे, पहले एक दो बना लें। दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है लिखा, प्रत्येक में 45 घटा दिया जाए तो रेशियो 1:1, प्रत्येक में 45 की कमी की गई है तो जब समान कमी या समान वृद्धि की जाए तो सर्वप्रथम नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को क्यों का जवाब दे चुके हैं, बार बार बोलना जरूरी नहीं। समान राशि जोड़ी जाए या समान राशि घटाई जाए तो जल्द से जल्द नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को, तो नीचे में कितने का अंतर, 1 से करें या ना करें, ऊपर में तो 2 से गुना कर लें। चलिए 2 से गुना कर दिए तो ध्यान दीजिएगा, आप ये भी केयर कर रहे होंगे कि जब घटाया गया है तो दोनों में कमी आ रहा होगा, 3 से देखिए 2 आ गया कितने की कमी, 5 से 4 हो गया कितने की कमी, तो जब समान राशि घटाई जाए तो समान कमी होना ही चाहिए, तो आपके अनुसार 45 की कमी, यहां कितने की कमी, तो 45 का तुलना 1 से, अगर पहली संख्या तो 3 से गुना 100, दूसरी संख्या तो 5 से गुना अर्थात 200, अर्थात एक संख्या 135 दूसरी संख्या 200, तो आप बस केयर ये करिएगा कि समान राशि जोड़ी जाए या समान राशि घटाई जाए तो जल्द से जल्द नीचे के अंतर को, ऊपर से ऊपर के अंतर को, क्या हल करने आएगा। अगर 2-4 बना लेंगे तो फिर लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट तुरंत आपको सिखाता हूं, एक और बनाइए उसके बाद। 245 श्याम और राम के वेतन में 4:5 का अनुपात है, लिखेंगे नहीं ध्यान देंगे, श्याम और राम के वेतन में 4:5 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 750 की वृद्धि कर दी जाए तो रेशियो हो जाएंगे कैश अनुपात, प्रत्येक में समान वृद्धि की गई है तो अंतर सेम होना, तो मैं आपकी जगह रहूंगा तो एक क्वेश्चन में देख लूंगा, लिखने की जरूरत, डायरेक्ट देखना है नीचे के अंतर को, ऊपर से ऊपर के अंतर को, ऊपर में 1 का अंतर, 1 से गुना करें या ना करें, नीचे में कितने का अंतर, 4 से गुना कर देंगे, 4×4 तो 16 और 21 में अंतर कितने का, अर्थात यहां 750 का तुलना कितना से, श्याम का वेतन तो 4 से गुना किए थे इसलिए 4×4, नहीं समझ में आया, नहीं ऊपर में अंतर 1 का था तो 1 से गुना करें या नीचे में अंतर कितने का, तो ऊपर में मैंने 4 से गुना कर दिया, अब 4 से गुना कर दिया तो इसको हम देखें चाहे ना देखें इससे क्या फर्क पड़ता आपको, वो क्वेश्चन दिखने वाला जाने, हम तो डायरेक्ट हमें आंसर से मतलब है कि 4 से गुना करेंगे तो 16 और 21 में कितने की वृद्धि, 5 की, अब प्रश्न कर रहा है 750 का तुलना 5, श्याम का वेतन 16 से, अगर कहता राम का तो राम वाले देखते, श्याम को देखने की जरूरत भी, वो आगे स्पीड बढ़ाएंगे, अभी पहले इतना समझ में आया नहीं, फिर से लिख लूं, श्याम और राम के वेतन का अनुपात दिया है 4:5, प्रत्येक में 750 की वृद्धि हो गई तो रेशियो हो गया कैश अनुपात, तो आपने कहा प्रत्येक में समान वृद्धि की गई इसलिए नीचे के अंतर को, ऊपर से ऊपर के अंतर को, तो नीचे में है 4 का अंतर तो ऊपर में 4 से गुना, ऊपर में है 1 का अंतर तो 1 से गुना करें या ना करें, बन जाए आपके अनुसार 750 की वृद्धि हुई है, यहां जल्दी देखिए कितने की वृद्धि, अब वृद्धि का तुलना वृद्धि से, श्याम का वेतन कैसे गुना, क्या हल हो जाएंगे, 5 से 15 × 16 = 240 यानी 2400 बन जाएंगे। 2 संख्याओं में 3:5 का अनुपात है, प्रत्येक में 27 जोड़ा जाए तो रेशियो हो गया 9:1, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या बताइए, मैं दूसरी पे फोकस करूंगा, पहला को देखने की जरूरत भी नहीं है, प्रत्येक में समान राशि जोड़ी गई तो नीचे के अंतर को, ऊपर से ऊपर के अंतर को,
नीचे में कितने का अंतर है? तो ऊपर में 5 से गुना, ऊपर में तो नीचे में 2 से गुना। पहला को हमने मन ही मन गायब कर दिया, देखने की जरूरत भी। आपके अनुसार 27 की वृद्धि, यहां जल्दी बोलिए, निकालना है संख्या 25 से गुना, 200। नहीं समझ में है, जिन्हें ना समझ में उनके लिए लास्ट बोल दूं। दो संख्याओं में 3 अनुपात 5 का अनुपात है, 27 जोड़ने पर 9 अनुपात। अब रुक जाइए, समान राशि जोड़ी गई इसलिए नीचे के अंतर को ऊपर से, ऊपर के अंतर को नीचे, में 5 का अंतर इसलिए ऊपर में 5 से गुना, ऊपर में 2 का अंतर इसलिए नीचे में। आपके अनुसार प्रत्येक में 27 की वृद्धि हुई है, यहां जल्दी देखिए प्रत्येक में कितने की वृद्धि, वृद्धि का तुलना वृद्धि से निकालनी है। दूसरी संख्या ज्ञात करें कैसे गुना, अर्थात हम लोग कह सकते हैं आंसर 200। अब जब सीख जाएंगे तो क्या इतना लिखना जरूरी है? बनेंगे तो इस पे और केस 2 चलेंगे कल। यहां तक समझ में आया? अब बाकी बातें इस पे और कल होगी।